नमस्कार दोस्तों, मैं टॉप रिपोर्टर में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासत में अपनी शालीनता से एक शानदार स्थान बनाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉप रिपोर्टर में। धन्यवाद सर। आप बतौर मुख्यमंत्री 15 साल से छत्तीसगढ़ में, कितने उतार और कितने चढ़ाव आए हैं अब तक आपके जीवन? मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल की यात्रा, और मुझे लगता है 15 साल में न केवल छत्तीसगढ़ के इस विकास के साथ भागीदारी रही है, बल्कि जनता का भी पूरे समय सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला है। और 15 साल बाद भी जब हम इस बार चौथी बार चुनाव में गए हैं, उतना ही जन समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। सर, तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी ने अपना 65 प्लस सीटों का जो उनका लक्ष्य था वो पूरा हो पाएगा? जितनी मेहनत कार्यकर्ताओं ने किया, जितना पब्लिक का रिस्पांस मिला, और करीब करीब 12,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की, तो मुझे लगता है बस्तर से सरगुजा तक सभी क्षेत्रों में जनता का व्यापक समर्थन मिला है और मतदान में भी ये देखने को मिला। सर, अभी छत्तीसगढ़ में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है सर, उसके लिए अभी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके लिए आगे क्या कार्य हो सकता है? रोजगार के लिए नए अवसर छत्तीसगढ़ में पूरी संभावना है, और नए न केवल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नई इंडस्ट्री आ रही है, बल्कि हमने 27 ज़िलों में कौशल उन्नयन को एक बड़ा स्वरूप दिया है, और लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना है, नए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में आए हैं, बड़े इंडस्ट्री भी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, और ख़ासतौर से आईटी इलेक्ट्रॉनिक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार के बड़े अवसर हैं, और इसमें बड़ी संभावना छत्तीसगढ़ में है। सर, चुनाव के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का शर्त पत्र लिख हुआ था, उनका कहना है कि ये सिर्फ ये गुमराह करने के लिए है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने क्या किया और क्या उनकी घोषणा पत्र थी, उससे मुझे ज़्यादा कहना नहीं है, मगर कांग्रेस के इस प्रकार के घोषणा पत्र 2013 में भी लागू किया था, 2013 में भी जनता ने उनको रिजेक्ट किया, और 18 में भी उसी प्रकार कांग्रेस ने झांसे में रखने का प्रयास किया, पर छत्तीसगढ़ की जनता जानती है इनकी झूठे वादों से भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं है। सर, हमारे टॉप रिपोर्टर के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, पूरी छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आने वाले चुनाव के लिए आपको टॉप रिपोर्टर की तरफ से ऑल दी बेस्ट सर। थैंक यू।